मैं शादी को हमारे रिश्ते को एक मौका देना चाहती हूँ। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो ये मंगलसूत्र एक बार फिर से मुझे पहना दीजिए और इस बार हमेशा के लिए। मैं तुम्हें, आप मुझे, ये सब चलता रहेगा वेदांत, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने बारे में एक बात बता दूं कि मैं जब भी कुछ करती हूँ पूरे दिल से, इसलिए एक काम पूरा करना अभी बाकी है। कैसे शर्मा रहे हैं, हमेशा मुझसे नाराज रहते थे और नाराज नहीं। चलिए ठीक है, थोड़ा सा इरिटेटेड, लेकिन अब तो एक दो अच्छी बातें बोलिए। तुम बस घर आ जाओ पूर्वा, दादी को बहुत खुशी होगी। बस दादी, मुझे भी शादी से लेके अब तक हमारे बीच सब कुछ एक अजीब अब नॉर्मल तरीके से हुआ है। अब मुझे आपके साथ एक नॉर्मल सिंपल सी और बहुत ही हैप्पी लाइफ चाहिए, हमारी नई शुरुआत। ऐसा हो सकता है वेदांत? ऐसा ही होगा पूर्व, मैं प्रॉमिस करता हूँ। तुम बस सामान लेके सीधा घर पहुंचो, मैं दादी को लेकर आता हूँ। एक प्लान है मेरे पास।
हाँ दी। पंखू, वो मैं वेदांत के घर वापस जाना चाहती हूँ, आज ही, इनफैक्ट अभी। पता है अचानक बोल रही हूँ, पर तू मेरे साथ चलेगी ना? दी आप, वो पिछली बार दिल्ली जाने के लिए तुझसे पूछा नहीं था तो? दी मुझे बस सामान बांधने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, अब चलिए मैं आती हूँ। ठीक है, चल बाय। आ गई खांसी? आप यहाँ पे आराम से बैठिए, ठीक है? और सुनिए, अब से कोई भी छुप छुप के ना आइसक्रीम खाना है ना टॉफी खानी है, ठीक है? अब नो बीमार होना, सिर्फ खुश रहना। अरे पागल, ये आइसक्रीम, ये टॉफी, मैं तो सिर्फ तेरे लिए, मेरे लिए तो मेरा वेदांत खुश और मैं खुश। अच्छा, ऐसी बात है? तो हम दोनों की खुशी को अभी खींच के ले आता हूं। भाभी, रुक जा। बस छूट गए हाथ। पूर्वा घर के अंदर तब तक नहीं जाएगी जब तक तू मुझसे एक वादा नहीं करेगा। बोल, तू पूर्वा का हाथ कभी नहीं छोड़ेगा? और तू अपना हाथ कभी छोड़ने नहीं देगी, मंजूर? कभी नहीं जाऊंगी दादी, I promise। मैं भी प्रॉमिस करता हूं दादी। अरे आप लोग सब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बहू का गृह प्रवेश नहीं करना। असली मायने में तो आज ही बहू घर आई है। मंजला, जाओ आरती की थाली लेकर आओ। अभी लाई। फिर बर्बादी लेकर आ रही हो अम्मा? आज ही हॉस्पिटल से वापस आई हूं ना, उल्टी सुल्टी बातें करके फिर से हॉस्पिटल पहुंचाने का इरादा है। मंजरा, आरती उतारो। बेटा ये आलता है, इसका छाप दरवाजे पे लगाओ।
पूर्वा बेटा, आज तेरी हाथों की लकीरें इस घर की किस्मत से हमेशा के लिए जुड़ गई है। भाभी एक मिनट में करती हूँ। तेरे हाथ वेदांत, लो आते ही अपशगुन। नई जिंदगी के पहले कदम पर ही डगमगा गई महारानी हमारी, और आग भी लगी ऊपर से। बताओ, पहले भी आग लगी थी और आज भी, और ना जाने कहां कहां आग लगाएगी महारानी। शादी के फेरे भी अग्नि को साक्षी मानकर ही लिए जाते हैं, और सोना भी अग्नि में तपकर कुंदन बनता है। और मेरी बहू ये तो लक्ष्मी के रूप में मेरे घर आई है। जिस जिसको इतराज है वो अपने कमरे में जा सकता है। मैं कौन से पुराने रीति रिवाजों में पड़ गई। भाई तू तो हीरो है, उठा ले अपनी हीरोइन को, ले अंदर। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। लेकर इजाजत अब आपसे, सांसें ये आती जाती है, ढूंढे से मिलते नहीं है हम, बस आप ही आप बाकी है। पल भर न दूरी सहे आपसे, बेताबियां ये कुछ और हैं, आंखें हमें ये रास आ गई, अब हम यहां से जाएं कहां। पैर तक भाभी हुई भैया पे निहाल। वाह जी वाह, कमाल ही कमाल। अरे भाई शर्म को भी शर्म आ जाएगी, मेरे वेदांत का चेहरा इतना लाल हो गया है। और प्यार प्यार तो राजधानी की स्पीड से भी ज्यादा शुरू हो गया है। आप ऐसे ही शर्माते रहेंगे या इस तरफ देखेंगे भी? सबने नंबर लगा लिया मुझे चिढ़ाने का। चले ती। वो
पंखु, ये लड़की यहीं रहेगी अम्मा, ताकि रोज रोज मेरे बेटे से नैन मटक्का कर सके, उसका दिमाग खराब कर सके, उसे ये सिखाए कि अपने बाप से कैसे उलझना है। दादी, क्या नानी के वापस आने तक ये हमारे साथ रह सकती है? और बाबूजी, पंखुरी मेरी जिम्मेदारी है, और इसने मुझे कहा कि संजू बस इसका दोस्त है, संजू को गलत फहमी है। अगर मैं ऐसा नहीं कहूंगा तो पापा पंखुरी को इस घर में रहने नहीं देंगे। हाँ पापा, पंखुरी ने साफ साफ मुझे भी बोल दिया था कि मैं सिर्फ उसका एक दोस्त हूँ। बस रमेश, अब तो संजू ने भी कह दिया, हो गई तसल्ली। अरे पूर्वा, कहाँ तो नई नवेली दुल्हन अपने दूल्हे को फूल देती है और कुछ लव टॉक्स करती है, और यह हमारी बहू रानी दादी के रूह में फूल लगा रही है। क्या बात है भाई? वही तो, यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही है दादी। कहाँ दादी सास अपनी नई बहू को चूल्हे चक्की में झोंक देती है, और यहाँ आप अपने बहू को रोमांस सिखा रहे हो। थैंक यू सो मच पूर्वा। बेटा, पहली बार मेरे वेदांत को अपना एक रिश्ता मिला है। उसके हमेशा साथ रहना और घर छोड़कर कभी मत जाना। मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं दादी, वो पूर्वा। सुनी, आवाज की खनक सुनी। तू जा, वरना पूरे प्रयागराज को पता चल जाएगा कि ये लड़का तेरे प्यार में पागल हो चुका है। जा दादी। I'm so sorry, आपको डिस्टर्ब क्यों करती है? परफ्यूम में नहा जो रहे थे आप। कुछ भी ना कह रहा था मैं, बस आई होप मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही हंसा सकूं। पूर्वा वेदांत त्रिपाठी। शर्मा रही हो? और वो भी तुम पूर्वा। आपको शर्मीली बीवी चाहिए थी, बट सॉरी, मुझसे ही काम चलाना पड़ेगा। पर तुम तो... मेरा तो जो मन में आएगा मैं करूंगी, जो दिल कहेगा वो बोलूंगी, आपसे सारे काम करवाऊंगी और नखरे भी दिखाऊंगी। ठीक है? ठीक तो नहीं है, बट ये गलत भी मुझे खुशी से मंजूर है। क्या गलत भी मंजूर है? और आपके एथिक्स का क्या? वो छुट्टी पे गए? और हाँ, एक इम्पोर्टेंट काम, आपको गाना गाकर भी सुनाना पड़ेगा। मिस्टर एंड मिसेस त्रिपाठी को दूसरा मौका देने के लिए थैंक यू।